वेलकम टू रिव्यू एंड अमचा। तो आज हम रिव्यू करेंगे प्रेपली आपकी सीरीज पहरेदार का सीजन 2 का सेकंड एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो उसका जो ससुर होता है वो और अपनी बहू के साथ शिक्षा के साथ किचन में लगा होता है, और जो बाहर जो उसकी जो अंडर सिस्टर होती है दिशा वो इनको देख रही होती है। और तब उसको पता चल जाता है कि ये पूरे दिन यही करते रहता है सारे दिन, और जो उसका जो ससुर होता है वो अपनी उसको काफ़ी खुश रखता है उसकी बहन को। फिर नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं तो फिर नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि जो शिक्षा होती है वो बाहर आंगन में कपड़े धो रही होती है। इतने में जो उसका जो दूसरा ससुर होता है वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम इतनी मतलब खूबसूरत हो ना कि तुम्हें देख के ना मुझे अपने पे कंट्रोल नहीं किया जाता, तो तुम्हें बताओ ना मैं क्या करूँ, तुम मेरे पास आते नहीं हो, और मतलब ऐसे ऐसे उससे बात करता है। फिर वो वहाँ से उठ के चल जाती है और अपने घर में आ जाते हो। वहाँ पर जो उसका जो ससुर होता है उसके सीने से लग जाती हो। फिर उसके ससुर कहते हैं कुछ हुआ है क्या, तो लेकिन वो उसको बताते नहीं है। फिर वो आपस में किसेस करने लगे सेक्सुअल सीन चलते हैं इनके, और ये सारे सीन्स को वो जो उसकी जो अल्डर सिस्टर होती है बड़े सिस्टर दिशा वो सब देख रही होती है। फिर न तो फिर नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो नहाने जा रही होती है, और जो वो जो उसका जो ससुर होता है वहीं पर वो चेयर पर बैठा होता है। और इतने में वो जो अपने कपड़ों में से जो उसकी जो ब्रा होती है रेड कलर की वो वहीं पर ही गिरा देती है, और वो बाथरूम में चल जाती है। और जो उसका जो ससुर होता है वो उसकी ब्रा को उठाता है, सूंघता मूंघता, फिर उसके बाद उसके पीछे जाता है। और नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि जो दिशा होती है वो नारी होती है, मतलब अपने, और लेकिन फिर जो और तभी वहाँ पर जो उसका जो ससुर होता है वो वहाँ का छोटा सा छेद होता है उसमें खिड़की में से उसको खोल के और उसको देख रहा होता है, और देख के गर्म होता है अपने आप को। और जो उसकी जो बरा होती है फिर वो वहीं पर ही रस्सी पे सुखा के वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद जब दिशा नहा लेती है तब वो देखती है कि वो जो बरा है जो उसने वहाँ गिराए थे वो वहीं पर ही रखी हुई है। तब उसको समझ में आ जाता है कि ये वो बरा को रखा उसके ससुर ने और वो यहाँ पर आया था और उसने मुझे ना तो पूरा एंजॉय किया। और तो फिर हम नेक्स्ट दिन देखते हैं कि जो उसके जो ससुर होता है वो चेयर पे बैठा होता है, और उतने में जो दिशा होती है वो उसके सामने योगा वोगा करते हो मतलब तो उसको दिखा रही होती है कि ताकि जो उसके जो ससुर है उसको गर्म कर रही होती है कि जो उसके जो ससुर है उसके अंदर भी मेरे लिए भी आग लगे, और ताकि वो मेरी भी अच्छे से ले जैसे वो मेरी बहन के लेता है। तो बस उसके इस इंटेंशन के साथ वो अपने जो दिखा रही होती है वो सब। फिर नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि तीनों डिनर कर रहे होते हैं रात में, और फिर जो उसकी दिशा होती है उसकी बड़ी बहन वो पूछते हैं शिक्षा से कि तुम्हें याद नहीं आता तुम्हारे हस्बैंड की जो मतलब शहर गया हुआ है, और मतलब तुम्हें याद ही आते होगी क्योंकि शादी की जस्ट बाद ही तुम्हारे हस्बैंड वहाँ चले गए। और जो शिक्षा कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो काम से तो गए हैं ना, वो मेरे लिए तो गए हैं वहाँ पर। और फिर उसके बाद जो उसके जो ससुर होता है वो भी कहता है कि हाँ मेरा बेटा है वो गया लेकिन वो आ जाएगा, मतलब उसको ख्याल है वो अपनी बहू का था अपनी बीवी का ख्याल है तभी तो वो गया है ना बाहर शहर कमाने के लिए इसीलिए। और जो शिक्षा होती है वो भी कहती है कि जो लेकिन क्या हुआ जो मेरे जो इतने पूजनीय ससुर है ये मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं और मुझे मतलब पति की कभी कमी पूरी नहीं होने देते, तो ऐसा कहती है दिशा से। फिर दिशा समझ जाती है, और फिर उसके बाद ये तीनों डिनर कर रहे होते हैं जो लेकिन इतने में जो जो उसका ससुर होता है उसकी लुंगी में एक पैर आ रहा होता है जो कि दिशा का होता है, वो उसकी ससुर की लुंगी में वो उसकी ससुर की धोती में पैर डाल रही होती है, और उसे उसके ससुर को इंजॉय कर रहा होता है, उसको लगता है कि ये पैर उसका है उसकी शिक्षा बहू का, और फिर वो ऐसे इंजॉय करती रहती है। फिर जब शिक्षा अपने से चेयर से उठ के कहीं अपने रूम में जाती है लेकिन तभी वो पैर उसकी धोती में ही रहता है, तो तब वो समझ जाता है कि वो पैर उसके जो पास में बैठी हुई है उसकी बड़ी बहन दीक्षा का है। और फिर इतने जो वो भी है वो अभी चेयर से उठ के चले जाता है उसका ससुर। फिर नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि जो दिशा होती है वो अपनी छोटी बहन के रूम में जाती है शिक्षा के, फिर वो वहाँ से उसको दवाई ववाई देती है, नींबू पानी बना रही होती है उसके लिए, नींबू पानी पिला देती है। फिर हम देखते हैं कि जो शिक्षा होती है उसके मतलब कुछ चक्कर वक्कर से आने लगता है, फिर वो वहीं पर ही सो जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि उससे कुछ मिलाया है इस बेस के नींबू पानी में ताकि वो सो जाए। और जो बाहर जो उसका जो ससुर होता है वो अपना सोफे पर बैठ कर दारू वारू पी रहा होता है, वो फूल उसको चढ़गी वड़गी होती है। और इतने में ये आती है वहाँ पर दिशा और वहाँ पर उसको हाथों हाथों उसको सहलाती है ऊपर से, और उसकी धोती वोती कर उसको मतलब उसकी कभी गोद में बैठते हैं कभी किस विस करने होते हैं सेक्सुअल सीन्स इनके चलते 3-4 मिनट के मतलब धक 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 धक। और फाइनली जो उसकी जो दिशा होती है उसकी
बड़ी बहन, उसको जो चाहिए था उसके ससुर से, वो उसको सुख मिल जाता है, वो ऑर्गेज्म मिल जाता है, उसके सेक्स एक्सचेंज चल रहे होते हैं। और लेकिन जो उसके जो ससुर होता है वो यही सोच रहा होता है कि मैं अपने बहू के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि उसको समझ में आता है कि क्या चल रहा है उसकी, उसको लगता है कि मैं अपने बहू के साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसने दारू पी ली होती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो दिशा होती है वो उसके जो ससुर होते हैं अपनी बहन के ससुर के साथ ही सेक्स एक्सचेंज चल रहा होता है। और बस ये सीन काफ़ी अच्छा है और आपको देखने में मज़ा आएगा, काफ़ी अलग अलग पोजिशन में चलती है। और बस एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और थर्ड एपिसोड में देखेंगे कि स्टोरी के चलती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जो ससुर है क्या वो अपने होश में आके उसकी लेगा दिशा उसकी बड़ी बहन की, क्योंकि अभी तो उसको तो लग रहा है कि मैं अपनी बहू के साथ ही कर रहा हूँ, और जो दिशा है वो आगे और क्या करेगी, तो देखते हैं कि स्टोरी कैसे चलेगी आगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।